हम सरपंच हैं सांबा ब्लॉक से। तो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है, जैसा कि 3 महीने का लॉकडाउन होने को आया है, इसके चलते जो आम इंसान है उसकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही मंदी में चल रही है। लिहाजा हमारी एलजी जम्मू कश्मीर और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के बारे में सोचा जाए, कोई आर्थिक सहायता इन लोगों की जाए, ताकि जो बुरा टाइम इनका चल रहा है उसमें इनको निजात मिले। इसी के साथ, जैसा कि गर्मियाँ शुरू होने को हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा से ये रिक्वेस्ट है कि बिजली और पानी की समस्या जो हमारे सांबा में आम तौर पर रहती है, गर्मियाँ शुरू होने से पहले पहले इसको देखा जाए और बिजली और पानी की समस्या जो है उसको अभी से ठीक किया जाए, ताकि आते टाइम में गर्मियों में सांबा में बिजली और पानी की वजह से हाहाकार ना मचे। इसी के साथ पिछले दिनों हमारे सांबा के सुनार भाइयों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सुनार भाइयों की ज्वेलरी शॉप जो हैं उनको जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि बाकी दुकानों की तरह उन्हें दिया जाए। आगे ही उन्हें लॉकडाउन के चलते जो हमारे शादियाँ वगैरह थी उनमें बहुत बड़ा नुकसान जो झेलना पड़ा है, इसलिए हम हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे बाकी दुकानदारों को टाइम दिया गया है, उसी तरह से ज्वेलरी शॉप के लिए भी थोड़ा टाइम निकाला जाए। सांबा ने जो आर्डर निकाले हैं दुकानों को खोलने के लिए, वो बहुत ही कम समय है। बाकी डिस्ट्रिक्टों की तरह हमारी डिस्ट्रिक्ट का दुकानों का टाइम भी थोड़ा बढ़ाया जाए, जिससे दुकानदारों को आ रही जो समस्या है दुकानों के लिए वो ठीक हो सके और लोगों को जो कम समय की परेशानी बनी हुई है वो भी ठीक बने। ये कहना चाहते हैं कि हमारे बिजली और पानी के जो बिल हैं उनको माफ किया जाए, ताकि 3 महीने के लॉकडाउन में जो आम इंसान है उसका कमाई का साधन बिल्कुल ही जीरो है, उसके पास कोई भी साधन नहीं है जिसके जरिए वो बिजली और पानी के बिल जो है उनका भुगतान कर सके। लिहाजा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, एलजी जम्मू कश्मीर को, और इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए कि अगर 3 महीने से लोगों का कामकाज ठप पड़ा है, आम इंसान जो घर में बैठा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री के लॉकडाउन का पालन कर रहा है, उसको बिल का जो भुगतान है उसके लिए माफ किया जाए, किसानों के लिए, आम जनता को इसका फायदा हो। जय हिंद।